वो कहते हैं ना कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। तो आज की ट्रेन यात्रा कोई आम यात्रा नहीं बल्कि बहुत ही खास होने वाली है। कितने सालों से बस यही सोच रहा था कि इस बार जाऊँगा, पर आज वाकई में मैं यहाँ पे हूँ। तो चलिए पनिहाल से बारामूला की इस खूबसूरत रेल यात्रा का आगाज करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान। कुछ फिलहाल मैं हूं अभी जम्मू में। जी हाँ, जो बनिहाल है वो जम्मू रीजन में आता है, लेकिन बस कुछ ही दूरी बाद हम पहुंच जाएंगे काजीकुंड, जो कि कश्मीर में आता है। और वेदर आप देखो, स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गई यहाँ पे। आपसे मतलब अभी कुछ देर पहले हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन अभी देखो अचानक स्नोफॉल जो है वो तेज़ हो गई। और वाकई में बिल्कुल जन्नत सा लग रहा है यहाँ पे। बहुत दिन से मन था कि इस रूट पे एक बार ट्रैवल किया जाए, और इंतजार का फल कहते हैं ना बहुत मीठा होता है, हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही हुआ। दो दिन से हम यहाँ पे थे, लेकिन आज हमने वेट किया और आज जाकर के स्नोफॉल जो है हमें मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तरह से सफल हो गई पूरी हमारी ये जर्नी, शुरू होने से पहली जर्नी हमारी सफल हो गई। ये देखिए भाई पानी, ये देखिए बिल्कुल सब कुछ जमा हुआ है यहाँ पे, पूरी बर्फ़ की लेयर। ये देखो, ये पूरी बर्फ़ की लेयर है भाई, निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, बट आप देखो ये पूरी बर्फ़ की लेयर, इतनी मोटी लेयर जो है वो जमी हुई है। वाकई यार आज बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलने वाला है, और ख़ास तौर पर काजीकुंड के बाद ना बहुत बर्फ़ मिलने वाली है। चलिए वैसे अगर बात करें इस रूट की ना, तो ये रूट जो है वो पूरा बारामूला तक जाता है बनिहाल से, लेकिन आज हम जर्नी जो है वो सिर्फ श्रीनगर तक करने वाले हैं, क्योंकि यही रूट जो है बहुत ही खूबसूरत है। और यकीन मानिए इसके बाद का जो रूट है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस शुरुआत है। इसके बाद का जो रूट है वो इतना खूबसूरत है, आप खुद देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं जर्नी को। तो यार कश्मीर वाकई में जन्नत से कम नहीं है, और अगर आप यहाँ पे घूमने आते हो ना तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आओ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप एक काम करो, मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, महाराजा हॉलीडेज़, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपकी होटल बुकिंग से लेकर के ना सारी जो टूर प्लानिंग है ये आपको बहुत ही अच्छे से करा देंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कश्मीर का ट्रिप, तो ज़रूर से इनकी साइट पर जाओ, चेकआउट करो, कॉल करो इनको। और हाँ, कॉल लगाने के बाद ना आप उनको बता दो कि आप मेरे थ्रू यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अगर आप कश्मीर ट्रिप प्लान करो ना, ज़रूर चेकआउट करना। तो बिल्कुल अपने अंदाज में बोलूँगा, अपने तय वक्त यानी कि 11:55 पे हमारी ये ट्रेन अब बनिहाल रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर के। बर्फबारी हो रही है, और इसके बाद का नज़ारा तो और भी खूबसूरत होने वाला है जब हमारी ट्रेन काजीकुंड पहुंचेगी। आप बस वो नज़ारे देखना। दूर दूर तक आप जहाँ भी अपनी नज़र लेकर जाओ, सिर्फ आपको बर्फ़ की सफ़ेद चादर देखने को मिलेगी। यकीन नहीं होता यार कि ये अपना देश भारत है। वाकई क्या खूबसूरत है ये जगह। आमतौर पे मैं आपको नदियों में पानी दिखाता हूँ, पर यहाँ आप देखो किस तरीके से बर्फ जमी हुई है नदी में भी। बहुत ही खूबसूरत,
ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि काजीगुंड से पहले ये सबसे लंबी टनल जो है वो आती है, जिसकी लंबाई करीब 11 किलोमीटर की है। तो 11 किलोमीटर तक हम सिर्फ इसी टनल के अंदर ही रहने वाले हैं। टनल से बाहर निकलते ही वापस से काफी अच्छा लग रहा है, और ये खूबसूरती यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ की और मोटी परत जो है वो जमी हुई है। ये देखिए आप, ये कितना ज्यादा स्नो है यहाँ पे। सबसे ज्यादा स्नो जो है मुझे यहीं पे देखने को मिल रहा है। वाह, ये जन्नत है। चलिए, डिपार्चर टाइम हो गया। एक पल को मुझे लगा कि ये काजीगुंड है, लेकिन ये हिलर शाह आबाद रेलवे स्टेशन है। यहाँ इतनी बर्फ है तो काजीगुंड में तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। मज़ा आ रहा है इस जर्नी का। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, वाकई में ये जर्नी वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर से करनी चाहिए किसी को भी, अगर वो इंडियन रेलवेज को पसंद करते हैं। स्नोफॉल तो सबको पसंद होता है, लेकिन अगर वो ट्रेन में चलते वक्त इतना खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हैं तो फिर ये जर्नी तो लाइफ में एक बार बनती है। तो बनिहाल से बारामूला की रेलवे लाइन करीब 135 किलोमीटर लंबी है, जो कि बहुत ही जल्दी भारतीय रेलवे के मेन नेटवर्क से जुड़ने वाली है, जब ये कटरा से बनिहाल तक का 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर वो दिन दूर नहीं जब कन्याकुमारी से आप सीधा श्रीनगर बारामूला तक की यात्रा कर पाएंगे। जब बारिश होती है तो हम आपको बारिश दिखाते हैं, उनकी बूंदें दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्नो जो है वो हाथों पे आ रही है। और हाथों का हाल देखो आप, इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। तो अब फाइनली काजीगुंड में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। यहाँ की बर्फबारी आप देखो, ऑलमोस्ट हर जगह तो ऐसी बर्फ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्फ जो है ना वो आपको काजीगुंड में देखने को मिलेगी। और ये देखो, ये हल्का फुल्का पानी है, और पानी देखो कैसे जम चुका है, किस तरीके से पूरा पानी ही जम चुका है। श्रेयांश भाई कैसा लग रहा है, एंजॉयिंग? भाई तो मस्ती कर रहे हैं। वाह, काजीगुंड, यहाँ देखो कितनी फ्रेश स्नोफॉल है। हाँ सर, यहाँ की बर्फ आप देखो, यहाँ तो और ही ज़्यादा बर्फ है। वो चेयर कितनी ज़्यादा बर्फ में ढक चुकी है। ये बर्फबारी थी, लेकिन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ जो है वो है। पूरी स्टेशन जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है यहाँ पे। पानी जो है वो जम चुके हैं, और ये दोपहर करीब 12:22 का वक्त हो रहा है। हाथ लाल हो गए भाई, हाथ लाल हो गए, हाथ देखो कैसे हो गए। काजीगुंड से अपना डिपार्चर हो गया। वाकई बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हाथ बाहर निकालने फील हो रहा है, कितने ज़्यादा हाथ लाल हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं ग्लव्स पहनूंगा तो शायद ये चीज़ मैं आपको दिखा ना पाऊँ, कैमरा ठीक से कंट्रोल ना कर पाऊँ। और ये देखो कैसे एल्को लोकोमोटिव के ऊपर पूरा बर्फ की चादर जो है वो छाई हुई है। और ये है ये डीएमयू का कोच, जिसमें हीटर्स जो है वो लगे हुए हैं, तो अंदर गर्माहट जो है वो बनी रहती है। बाकी अब इसको मैं बंद करता हूँ। ये देखो अब अंदर बिल्कुल गर्माहट है, और यहाँ का टेम्परेचर
की बहुत ही हार्श है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग एक दूसरी डेमो ट्रेन से हो रही थी, जिसमें हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ट्रेन्स ऑफ इंडिया के सौरभ भाई भी ऑन बोर्ड थे। वाकई ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। यहाँ से हल्की फुल्की बर्फ जो है वो थोड़ी कम दिख रही है। जो बर्फ की सफ़ेद चादर दिख रही थी वो चादर अब थोड़ी सी मिसिंग दिख रही है। अनंतनाग पहुँचने वाले हैं बस। तो बाहर के टेम्परेचर है ना, अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मतलब गर्म है, क्योंकि हीटर जो है वो चल रहा है अंदर। ये नॉर्मल जो डीएमयू ट्रेन होती है ना उनकी तुलना में ये अलग है, क्योंकि इसमें हीटर चलता है। साथ ही साथ आपको स्लाइडिंग वाले डोर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सीट की कुशनिंग बहुत ही कमाल के, जो हमारे वंदे भारत टाइप की ट्रेन में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी कुशनिंग में सीट को मिल जाती है। तो सीट तो बहुत ही कंफर्टेबल है। चलिए अब फाइनली अनंतनाग स्टेशन जो है पहुंचने वाला है, उसका अराइवल जो है बस होने ही वाला है। तो फिलहाल ट्रेन पहुँच रही है अनंतनाग रेलवे स्टेशन और सामने ट्रेन खड़ी है क्रॉसिंग के लिए। सिंगल लाइन है। यहाँ पे वैसी बर्फ जो है वो देखने को नहीं मिल रही जैसी बर्फ काजीगुंड के पहले दिख रही थी, उसके बाद हल्की फुल्की दिखी। अब देखो तो बिल्कुल जो बर्फ थी वो पिघल चुकी है यहाँ तो, और बर्फ़ के नाम पे सिर्फ यहाँ बारिश हो रही है, बूंदा बांदी हो रही है। बर्फ़ नहीं आ रही बल्कि बूंदें गिर रही हैं यहाँ पे तो। और इस स्टेशन पे तो बर्फ़ के नाम पे कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की बर्फ आपको इन पेड़ों पे दिख जाएगी, झाड़ियों में, बाकी ज़्यादा बर्फ़ है नहीं यहाँ पे। जो बर्फ़ थी वो पिघल चुकी है, तो इस तरफ तो उतनी बर्फ़ नहीं दिखी हमें। पर हाँ, जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ठंड यहाँ ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, शायद डायरेक्ट पानी जो है वो चेहरे पे गिर रहा है, इसलिए शायद ठंड ज़्यादा लग रही है। और यहाँ के भी स्टेशनों पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का स्टॉल जो है वो लगाया गया है। खाने पीने को ज़्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं, पर काम चलाऊ चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और एक चीज़ तो बताना ही भूल गया कि सारे स्टेशन पे, जी हाँ सारे स्टेशन पे आपको सिक्योरिटी बहुत ही टाइट देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पे बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं ये, तो सिक्योरिटी यहाँ पे टाइट होनी भी चाहिए। और फिलहाल पंचगोम स्टेशन पे आए हम। स्नोफॉल देखिए फिर से शुरू हो गई, जो स्नोफॉल बंद हो चुकी थी अनंतनाग में, अब देखो यहाँ पे वापस फिर से स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गई। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये स्नोफॉल ऐसी होती रही तो यहाँ भी एक अच्छी खासी लेयर जो है वो जम जाएगी। देखो आप मेरे जैकेट पे किस तरह से स्नो जो है वो आ रही है। ये जो आप लोग पहनते हो इसको क्या बोलते हो? आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल। इसको क्या बोलते हैं? फेरन। फेरन। हाँ। तो इसमें अंदर वो आग एक लेके चलते हैं ना, अंदर आग रखते कांगड़ी, 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 कांगड़ी बोलते हैं। तो वो आप रखते हो क्या अपने साथ? सफर में कहाँ रखते हैं, दूर घर में रखते हैं। घर में रखते हो? तो और यहाँ पे रोजगार मतलब क्या है, मतलब लोग रोजगार के लिए मेनली क्या करते हैं यहाँ पे? ये करते हैं एप्पल। अच्छा, एप्पल, ये सारे एप्पल के वो है क्या? ये सब एप्पल के हैं? नहीं,
हार्वेस्ट अक्टूबर में करते हैं। अच्छा, हार्वेस्ट अक्टूबर में करते हैं। अक्टूबर के महीने में यहाँ पे सेब की बहुत अच्छी खेती होती है। कभी आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। नहीं नहीं, कल आए थे घूमने के लिए, आए थे इस ट्रेन में, बस बैठने आए थे। और इसी बातचीत के साथ पहुँच चुके हैं अवंतीपुरा। और यहाँ देखो कुछ ऐसा है स्नोफॉल का हाल। यहाँ पे हल्की हल्की जो बर्फ है ना वो गिरना शुरू हो गई। यहाँ पे अब दिख रहा है बर्फ हल्की फुल्की। बाकी यहाँ पे किसी ट्रेन से क्रॉसिंग हो जाए तो मजा आ जाए। जर्नी का बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये पहला एक्सपीरियंस था, हालांकि मैम तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये हम सब का पहला एक्सपीरियंस था इस रूट पे, कोई बर्फ़ के साथ ट्रेन। यार कौन कौन जाता है स्विट्ज़रलैंड यार, जो हमारे देश में इतना खूबसूरत रेल रूट है। आप लोग क्या कहना चाहते हो? आप तो आपका तो सेकंड एक्सपीरियंस है। मेरा लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विदाउट स्नो था। अच्छा। दो दिन मिस कर गई थी, लेकिन दिस वन इज विद स्नो एंड दैट्स अमेजिंग। मतलब ऐसा वो बोलते ना हेवन ऑन अर्थ का जो नज़ारा है वो ट्रेन से लेना है तो बिल्कुल आइए। और सत्या भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया, मैं तो खुश हो गया, बर्फ़ देख के ही खुश हो गया। दो दिन बाद जो है अपना सपना जो पूरा हुआ, श्रेयंत भाई का भी सपना पूरा हुआ। स्पीचलेस सर, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा, मतलब मेरे पास जवाब नहीं है। और मल्हार भाई पुणे से आए थे। मैं तो पुणे से स्पेशल, मेरा तो एक ही मोटिव था कि मैं श्रीनगर में और कश्मीर में बर्फ़ में ट्रेन जर्नी करूँ। बहुत ही मज़ा आया इस खूबसूरत से ट्रेन जर्नी में, ऐसे ही इसको जन्नत नहीं कहा जाता। बिल्कुल, चलो यार जर्नी में बहुत ही मज़ा आया। फिलहाल हमारी जर्नी जब बस खत्म होने वाली है। वैसे ट्रेन जो है वो जाएगी बारामूला तक, लेकिन हम ट्रेन को श्रीनगर में डिबोट करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा जितनी खूबसूरती थी आपने यहीं तक देख ली, उसके बाद भी रूट ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो जर्नी यहीं पर ख़त्म करेंगे। और बाकी इन भैया लोगों ने हेल्प की मेरी वीडियो लेने में, थैंक यू सो मच। तो बस अपने जर्नी का आखिरी पड़ाव जो है बस आने ही वाला है। हालाँकि ये जर्नी बारामूला तक होती ज़रूर थे, लेकिन आप खुद देखो जितनी बर्फ़ आपको मिलनी थी वो पहले ही सब खत्म हो चुकी है। अब ये पूरा इलाका जो है वो बिल्कुल सूखा हुआ है, मतलब यहाँ आपको बर्फ़ तो नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसा ही हाल श्रीनगर में भी होने वाला है, वहाँ भी आपको ज़्यादा बर्फ़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और बानीहाल तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत ही थोड़ा बहुत बर्फ़ जो है वो देखेगा। तो ये है अपना गंतव्य रेलवे स्टेशन श्रीनगर। तो 78 किलोमीटर की जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। करीब एक घंटे 50 मिनट का वक्त लगा हमें जर्नी कवर करने में। ठीक है, मतलब BMU ट्रेन के हिसाब से काफ़ी अच्छी रफ्तार है ये। और इसके बाद ये ट्रेन निकल जाएगी बारामूला के लिए, और ये ट्रेन पहुँचेगी बारामूला अराउंड 3 बजे। तो टोटल जर्नी जो है वो अराउंड 135 किलोमीटर की होती है। और जैसे हम ट्रेन से डिबोर्ड हुए, सामने अभिषेक भैया जो है वो मिल गए, और साथ साथ बाकी लोग भी। आपका नाम क्या है? रवि। रवि, आपका नाम? गौरव। नीरज। तो सब लोग इसी ट्रेन में सफर करने के लिए आए थे, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो काफी ज्यादा ऑसम था भाई, फिर से हम जर्नी करने वाले हैं, फिर से व्यू के लिए दोबारा आए हैं, तो सोच सकते हैं कितना अच्छा लगा होगा हमें। बर्फबारी, मजा आ गया पूरा बर्फ देख करके ना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ट्रेन से उतरने के बाद कश्मीरी कहवा तो ट्राई करना बनता ही था। मेरा सफर तो बस यहीं तक का था, पर जितना भी था बहुत ही खूबसूरत था। कश्मीर की इन अनगिनत यादों को समेटे हुए अलविदा कहता हूँ, और एक बार फिर से कभी बर्फ की सफेद चादर से परे रंग बिरंगे फूलों और वादियों के बीच मिलूंगा।